पुलिस सम्मेलन में शामिल होने वाले कटनी पहुंचे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा ने जिले के सभी थानों और चौकियों का जायजा लिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने सभी थाना प्रभारियों से भेंट कर जिले में अपराध व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा ने कटनी के पुलिस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने परेड का निरीक्षण किया और सभी सिपाहियों की ड्रेस को चेक किया। वहीं पुलिस लाइन के वाहनों को खड़ा किया गया और उसका भी निरीक्षण जोगा ने किया। इस दौरान विभाग के कर्मियों की शिकायतें भी सुनी गईं और पुलिस लाइन में ही स्थित पुलिस कॉलोनी में रह रहे पुलिस परिवार के सदस्यों से जाकर भेंट कर उनकी समस्याओं को भी जाना गया। वहीं इस दौरान निरीक्षण की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा ने बताया कि सभी थानों और चौकियों का काम बहुत अच्छा पाया गया है, सभी मामलों की रिकवरी अच्छी रही है। इसके साथ ही विभाग की जो भी समस्याएं उन्हें भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। दो दिन से जिला कटनी का वार्षिक निरीक्षण में है, जिसमें इस निरीक्षण में क्या होता है कि सभी थानों के कामकाज का और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पुलिस लाइन का पिछला एक साल में किस प्रकार का इनका कामकाज रहा है उसका हम लोग समीक्षा करते हैं। ओवरऑल अभी तक जितना भी मैंने थानों का काम देखा है सभी थाने का काम बहुत अच्छा रहा पिछला इस एक साल में। इनके यहाँ जितने भी गंभीर घटनाएं हुई थी, हत्या हो, प्रयत्न हत्या हो, चोरी हो, सब में इन लोगों की रिकवरी अच्छी रही है। केवल एक ये मन्नापुरम गोल्ड वाली जो कार्रवाई है इसमें आरोपी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, मगर इसमें रिकवरी अभी बाकी है, इसमें विवेचना भी जारी है अभी। और जितने भी CM ऑनलाइन के शिकायतें हैं और इसमें भी निकाल अच्छा है इन लोगों का, इनका रैंकिंग अच्छा है। और साथ ही कर्मचारियों से भी मैंने बातचीत किया, उनको अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उस समस्याओं जो काम करते समय है उसको भी दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।